हे गाइस, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के कृषक एवं आदिवासी आंदोलनों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम, पटवारी एग्जाम और महिला पर्यवेक्षक एग्जाम, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें। जो ये टॉपिक है कृषक और आदिवासी आंदोलनों का, यहाँ से काफ़ी अधिक एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं जो हाल ही में राजस्थान में करवाए हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो को देखने के बाद में आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। ठीक है, तो जो ये मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है, इन्होंने चिड़ावा किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। और ये जो चिड़ावा का किसान आंदोलन है, यह सेकावटी क्षेत्र से संबंधित है, तो थोड़ा बात इसके बारे में ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अशोक परमार की उपरमाल की जागीर उनको किसने दी थी? तो अशोक परमार को उपरमाल की जागीर प्राप्त हुई थी महाराणा सांगा से। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आरएस एग्जाम में और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आते हैं, लेकिन आजकल तो हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो ध्यान रखें। यहाँ पर कथन और कारण दे रखा है, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोली आंदोलन से 1922 में समझौता किया। और कारण दे रखा है इस कथन का कि बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कथन और कारण दे रखे हैं, ये दोनों के दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसका सही आंसर है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से। ये काफी अधिक एग्जाम में पूछा गया, तो जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया था। आगे देखते हैं, यहाँ पर सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको मिलाने की कोशिश कीजिए। इससे आपको आपकी तैयारी का पता भी चलेगा, मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1897। सिक्कर जो आंदोलन हुआ वो हुआ था 1922 में। डाबड़ा कांड हुआ था 1947 में। और चंडावल का युद्ध हुआ था, चंडावल किसान आंदोलन वो हुआ था 1945 में। यहाँ पर आरंभ होने का वर्ष पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैंने आपको सभी बता दिए। इस तरह इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई गई? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान रखें। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, 1931 में। आगे देखते हैं, किस वर्ष निंबूचना अलवर दुखांत घटना हुई? तो ये हुई 1925 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर डेट की बात करें तो 7 मई, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वापस बता देता हूँ। नैनूराम जी का संबंध किस आंदोलन से था? तो इनका संबंध था बूंदी प्रजामंडल किसान आंदोलन से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति की संख्या सर्वाधिक थी? तो ये थी धाकड़ जनजाति की, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलिए अब आगे चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हैं कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है? तो ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ये संबंधित है बेगू किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो आप देख सकते हैं पाली, सेखावटी, बेगू और थानागाजी, तो इसका संबंध पाली से नहीं है किसान आंदोलन से, बाकी सभी से किसान आंदोलन का संबंध रहा है। 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ के रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जाट किसान आंदोलन का। अब आगे चलते हैं, आगे जो दे रखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी अधिक रिपीट हुआ है, आप इसी पेपर में देख लेंगे, आगे एक दो बार और भी पूछा गया, तो देखते हैं कौन सा है। सेखावटी में ग्राम कटरातल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? ये लिया था किशोरी देवी, ठीक है, इनके साथ उत्तमा देवी भी थी, तो इन दोनों का नाम आप जरूर ध्यान रखें। और लेकिन यहाँ पर केवल
सेकंड नंबर दे रखा है, उत्तमा देवी का मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, कौन सा था, यह था बिजोलिया किसान आंदोलन। कब प्रारंभ हुआ था, यह हुआ था 1897 में। इंपॉर्टेंट है इनका, आप जरूर ध्यान रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किनको कहा जाता है, किनको माना जाता है, यह माना जाता है विजय सिंह पथिक को। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, तो राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किया था मोतीलाल तेजावत ने, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। भील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन काफी अधिक एग्जाम में पूछा गया है, इस बार LDC के एग्जाम में भी पूछा गया था और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो संप सभा की स्थापना किसने की थी, ये की थी गोविंद गिरी ने। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, आगे भी वापस यही क्वेश्चन है, ये वापस रिपीट हुआ है, तो देख सकते हैं आप। संप सभा की स्थापना किसने की थी, ये की थी गोविंद गिरी ने। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर है। आगे दे रखा है, एकी आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, तो एकी आंदोलन हुआ था चित्तौड़गढ़ में मात्र कुंडे नामक स्थान से, तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर है। एकी आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था फोर्थ नंबर मातरकुंडे से। तो आप देख सकते हैं मतलब क्वेश्चनों की रिपीटेशन को, ठीक है, RPSC सेकंड गेट में पूछा गया था। अब आगे चलते हैं, आगे दे रखा है, मेवाड़ बागड़ और आसपास के क्षेत्रों के बिल्लों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया जो आंदोलन है का, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, का सूत्रपात किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखें। इसका सूत्रपात किया था मावजी ने, संत मावजी ने। यहाँ पर सूत्रपात की बात कर रहे हैं, तो इनका सूत्रपात संत मावजी ने किया था, ठीक है, लसाड़ी आंदोलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से गलत युग्म को चुनना है, तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो विजय सिंह पथिक करेक्ट है, डेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी ये भी करेक्ट है, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत ये गलत है, और भगत आंदोलन गुरु गोविंद बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर गलत युग्म को पहचानना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह निम्न में से किससे संबंधित है, तो इनका संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की गई थी, ये सबसे पहले हुआ था, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है, मेवाड़ में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरातल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया, तो मैंने आपको बोला था ऊपर ही, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखें। इसका सही आंसर है किशोरी देवी, इनके साथ और कौन थी, तो उत्तमा देवी। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कितनी हजार महिलाओं ने भाग लिया था, तो 10,000 से अधिक महिलाओं ने, कहाँ पे, कटरातल, ठीक है, कटरातल में, और कब, तो 25 अप्रैल 1934, इतना आपको ध्यान होना चाहिए और इनका नाम याद होना चाहिए, किशोरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो इनके प्रवर्तक हैं आचार्य श्री तुलसी जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर है, गोविंद गिरी। तो आप देख सकते हैं भगत आंदोलन के तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिजोलिया, ठीक है, कब हुआ था शुरू, 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गांधी जी ने किसे डायरीज़म डबल की मतलब संज्ञा दी है, ठीक है, तो डबल डायरीज़म की संज्ञा दी है महात्मा गांधी जी ने निम्बू चढ़ा कांड को, तो इम्पोर्टेंट है, जरूर ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है, कब हुआ था, तो 7 मई 1925 को। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं, मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, भील आंदोलन से, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। निम्बू चढ़ा घटना, ये इसका भी काफी अधिक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो जरूर ध्यान रखें। और इसी को महात्मा गांधी ने डबल डायरीज़म की संज्ञा दी थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, 7 मई 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। विद्या जो प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे वो थे विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। गुरु गोविंद का
प्रमुख शिष्य कौन था? तो गुरु गोविंद जी का प्रमुख शिष्य थे पुंजा धीर जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। मीणा क्षेत्रीय सभा का संगठन गठन कब हुआ था? तो मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 1933 में। मेवाड़ पुकार, ये मेवाड़ पुकार क्या है? तो मेवाड़ पुकार के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखें। यह मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ के राजा फतेह सिंह को एक मांग पत्र दिया गया था जिसका नाम था मेवाड़ पुकार। नेक्स्ट दे रखा है, साधु सीताराम का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? तो ये सबसे पहले फर्स्ट में भी देखा था हमने और काफी अधिक एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो जरूर ध्यान रखें, इनका संबंध था बिजोलिया कृषक आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मेवाड़ भील कोर्प किस वर्ष स्थापित की गई? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर है, 1837 में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, कृषक आंदोलन दे रखे हैं और नेता दे रखे हैं, तो यहाँ पर गलत सुमेलित कौन सा है वो देखना है। तो बेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी सही है, बूंदी नैनूराम शर्मा भी सही है, बिजोलिया विजय सिंह पथिक सही है, यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, फोर्थ नंबर गलत है, बाकी तीनों सही है, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास में आने वाले बेल आइकन को भी शुरू कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट हो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होते हैं वही प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको आपके एग्जाम में काफ़ी अधिक बेनिफिट हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो की PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर देना, और वीडियो का टारगेट जरूर ध्यान रखना, 200 लाइक्स का इसका टारगेट है। मुझे पता है कि आप वो पूरा कर दोगे, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको आपके एग्जाम में काफ़ी अधिक बेनिफिट आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।